हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ट्रेवल टू। और मैं प्रतिमा आप सभी का इस नए वीडियो में स्वागत करती हूँ। तो आज मैं आई हूँ भालका तीर्थ। वैसे तो मैं फिर से एक बार सोमनाथ गिरनार यात्रा कर रही हूँ, उसी यात्रा में मैं भालका तीर्थ आई हूँ। इसी विषय पे भालका तीर्थ पे ही हमने और एक वीडियो बनाया है, लेकिन उसमें मैंने एक छोटी सी मिस्टेक कर दी थी। मैंने कहा था श्री कृष्ण भगवान ने अपना अवतार की जो समाप्ति है वो भालका तीर्थ पे की थी, तो उसे करेक्ट करने के लिए मैं ये एक बार और वीडियो बना रही हूँ। एक्चुअल में जो भालका है, मतलब जो पारधी है, उसने जो बाण छोड़ा था वो छोड़ा था बाण गंगा से, जो भालका तीर्थ में भगवान के पैर में लग गया था और भगवान गोलोक चले गए और वहाँ उन्होंने अवतार की समाप्ति की है। तो भालका तीर्थ ये जगह है जहाँ पर भगवान के पैर में वो बाण लगा था। तो मुझे लगा कि अगर मुझे चांस मिल रहा है तो इस मिस्टेक को मुझे करेक्ट करना चाहिए, तो इसलिए मैंने ये और एक वीडियो बनाया है। तो अभी हम दर्शन करेंगे भालका तीर्थ का। जय श्री कृष्ण। भालका तीर्थ का दर्शन करने के बाद अभी हम जा रहे हैं बाणगंगा स्पॉट विजिट करने। चलिए मेरे साथ, हम देखेंगे बाणगंगा। तो अब हम आए हैं बाणगंगा। आप मेरे पीछे दो शिवलिंग देख सकते हैं और जो तीसरा शिवलिंग है वो मेरे राइट हैंड साइड में जो सोमनाथ मंदिर है उस तरफ है। तो यहाँ पर ऐसे तीन शिवलिंग है जिसे लोग ब्रह्मा विष्णु महेश ऐसा भी कहते हैं, और ये वो जगह है जहाँ से बाण छोड़ा गया था, जो भालका तीर्थ के यहाँ श्री कृष्ण भगवान के पैर में लगा था, तो इसीलिए इसका नाम बाणगंगा पड़ा है। तो अभी हम आए हैं गोलक तीर्थ, जहाँ पर श्री कृष्ण भगवान ने अपने अवतार की समाप्ति की थी। तो अभी मैं उस जगह के दर्शन करने जा रही हूँ और आपको भी उस जगह के दर्शन में कराऊंगी। और एक बात, यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा धूप है, तो मैं अभी ये जो मेरी चुनरी है वो ऐसे लेने की सोच रही हूँ। जब भी आप गुजरात आएंगे तो कृपया करके कैप, चुनरी, स्कार्फ कुछ ना कुछ लेकर ही आइए, क्योंकि यहाँ पर धूप थोड़ी ज़्यादा होती है तो परेशानी होती है। तो इसी के कारण थोड़ा सेफ साइड आप कुछ ना कुछ अपने साथ कैरी कीजिए। चलिए। तो अभी हम हैं गीता मंदिर में और आप ये मूर्ति देख सकते हैं, इतनी सुंदर कृष्णा की मूर्ति है। जय श्री कृष्ण। इस गीता मंदिर की ये खासियत है कि यहाँ पर 18 पिलर्स हैं, ऐसे पिलर्स, और हर एक पिलर पे गीता का एक एक अध्याय इन्होंने लिखा हुआ है, मेंशन किया हुआ है। तो अगर आप फुर्सत निकाल कर आएंगे तो आप यहाँ आकर ये अध्याय भी पढ़ सकते हैं। ये बात मुझे काफ़ी अच्छी लगी,
और ये कुछ अलग चीज है जो मैंने यहाँ आकर देखी। ये इस मंदिर का बहुत ही इम्पोर्टेंट हिस्सा है। यहाँ पर श्री कृष्ण जी के चरण कमल हैं, तो मैं अपने आप को बहुत ही भाग्यशाली समझती हूँ कि मैं यहाँ पर आ सकी और भगवान के चरण कमलों का दर्शन भी कर सकी। जय श्री कृष्ण। गोलोक से नज़दीक ही त्रिवेणी महासंगम है, जो आपको ज़रूर विज़िट करना चाहिए। और गोलोक विजिट करने के बाद हम लोग गए त्रिवेणी महासंगम, जो अभी आप देख रहे हैं। अभी हम जा रहे हैं सोमनाथ महादेव का दर्शन करने, जो 12 ज्योतिर्लिंगों में से सबसे पहला ज्योतिर्लिंग है। जय सोमनाथ।
निकल पड़े जूनागढ़ जाने के लिए। इस वीडियो का ये प्रयोजन था कि आपको सोमनाथ और वेरावल एरिया के बहुत सारे स्पॉट्स पता चले जो हमने पिछले वीडियो में कवर नहीं किए थे। ये सभी स्पॉट्स काफ़ी नियर बाय है और आप ये सारे स्पॉट्स 3 या 4 घंटे में कवर कर सकते हैं और एक व्हीकल लेकर ही आप ये सारे स्पॉट्स विजिट कर सकते हैं। जय सोमनाथ।